हेलो गाइस, वेलकम टू राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यमा FZ25 के बारे में। इसमें एक न्यू ग्राफिक के साथ, न्यू एडिशन के साथ इसको लॉन्च किया गया है। तो क्या कुछ आपको इस बाइक में चेंज देखने को मिल रहा है, कितने कलर ऑप्शन के साथ ये बाइक अवेलेबल है, साथ ही आपको इस वीडियो में ये भी जानने को मिलेगा कि आप कितने रुपये से इसको बुक कर सकते हैं, कैसे बुक कर सकते हैं और इसमें क्या कुछ न्यू चेंज देखने को मिल रहा है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए। तो सबसे पहले आप इस इमेज को देख सकते हैं, अभी इसका कोई भी ऑफिशियल वीडियो आउट हुआ है, सिर्फ ये ऑफिशियल इमेज ही आउट हुआ है। तो सबसे पहले आप इस ग्राफिक्स को देखिए, ये मोटो जीपी से इंस्पायर्ड है। कंपनी ने इसका नाम जो रखा है वो है मॉन्स्टर एनर्जी मोटो जीपी एडिशन नाम दिया गया है कंपनी की तरफ से। अगर वहीं इसके चेंजिंग की बात करें कि ग्राफिक्स में क्या कुछ आपको नया देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहला चेंज आपको इसके फ्रंट में देखने को मिलेगा। हेडलाइट के पास में आप देख सकते हैं वहां पर व्हाइट कलर का स्टिकरिंग का यूज किया गया है। ठीक उसके नीचे अगर फ्रंट फेंडर पर आप देखते हैं तो वहां पर मॉन्स्टर का लोगो जो कि ग्रीन कलर में देखने को मिल रहा है। सस्पेंशन पर देखें तो यमहा का नाम लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। अब वहीं अगर पेट्रोल टैंक पे आ जाते हैं तो पेट्रोल टैंक पे आपको यमहा का लोगो देखने को मिल रहा है। ठीक उसके नीचे FZ लिखा हुआ देखने को मिल रहा है और FZ के नीचे आपको ENEOS का ग्राफिक्स और जो मॉन्स्टर का ग्रीन कलर का ग्राफिक्स को ऐड किया गया है। वहीं अब अगर बैक साइड चले तो बैक साइड में साइड बॉक्स पे मॉन्स्टर एनर्जी का ग्राफिक्स को ऐड किया गया है। मॉन्स्टर व्हाइट कलर में देखने को मिल रहा है, एनर्जी जो कि है ग्रीन कलर में देखने को मिल रहा है। ये ग्राफिक्स बाइक के दोनों साइड में दिया गया है। और अगर वहीं इसके कलर की बात करें तो अभी फिलहाल यमहा ने सिर्फ इसका ब्लैक कलर में ही लॉन्च किया है इस बाइक को, जो अभी आप इमेज में देख रहे हैं सिर्फ यही कलर में इस बाइक को लॉन्च किया गया है। आगे हो सकता है कि इसमें और भी कलर आ सकता है, बट अभी इसका कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा मैं उस पर वीडियो बना दूंगा या आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट। वहीं अगर मैकेनिकल चेंज की बात करें तो इसमें ग्राफिक्स को छोड़कर और भी कोई चेंज नहीं किया गया है। इसमें पावर और जो भी इंजन का सारा था वो पहले की तरह बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसमें ग्राफिक्स को ही ऐड किया गया है। वहीं इसके प्राइसिंग की बात करें तो FZ25 जो पहले आती थी ये, उससे अब ये 3 से 5 हज़ार रुपये कॉस्टली होने वाली है। ये सिर्फ इसका जो प्राइस है ये ग्राफिक्स का लिया जाएगा। लगभग आप मान के चलिए कि 3 से 5 हज़ार रुपये ये आपको कॉस्टली होने वाली है। तो एक्स शोरूम आपको ये 1,42,000 तक पड़ सकती है। अभी इसका प्राइस को अनाउंस नहीं किया गया है, प्राइस का भी जो भी अनाउंस होगा वो मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूँ। तो गाइस, अब मेन पॉइंट की बात करें कि आप इस बाइक को कैसे बुक कर सकते हैं, तो इसको बुक करने के लिए आपको यमहा के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। आपको यमहा का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। वहीं अगर इस बाइक के बुकिंग अमाउंट की बात करें तो इसको आप 2,000 रुपये से बुक कर सकते हैं। 2,000 रुपए के बुक करने के बाद आपको 21 दिन के अंदर आपके नजदीकी यमहा के जो भी शोरूम या डीलरशिप है वहां पे आपको जाके बाकी का पेमेंट करना होगा, तभी ये बाइक आपके लिए कंफर्म किया जाएगा। तो आप इस तरीके से इस बाइक को बुक कर सकते हैं। तो यही कुछ अपडेट फिलहाल इस बाइक को लेकर है, और जैसे भी इस बाइक के रिलेटेड आगे कोई भी अपडेट मिलता है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर अपडेट कर दूंगा। तो आप मुझे कोशिश करें कि इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा, तो वहां से आप मुझे एक क्लिक से फॉलो कर सकते हैं। और ऐसे ही बाइक रिलेटेड न्यूज अपडेट के लिए आप मुझे YouTube पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विद बाइक।